वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आप देख रहे होंगे मैं सुबह सुबह क्या छत पे आ चुकी हूँ। टाइम बज चुके हैं 8 और मैं आज उठने में हो गई थी थोड़ा लेट, क्योंकि मैं खुद ही लेट उठी थी, घर वाले भी लेट ही उठे थे क्योंकि छुट्टी आज हमारी लास्ट छुट्टी रह गई है। तो उठने में सब लेट हो ही जाते हैं क्योंकि बाकी दिन तो जल्दी उठना ही होता है, तो ऐसा था। और अभी बज रहे 8, मैंने घर वालों को चाय वगैरह सबको दे दिया है और मैं अपना छोटा मोटा काम करके फ्री होके ऊपर आई थी क्योंकि आज है होली। तो सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी फैमिली की तरफ से, आप लोगों को हैप्पी होली। जैसे रंग लाइफ में खुशियां भरते हैं ना, तो ऐसे सबकी लाइफ में खुशियां आएँ। होली के कारण ना सारी जगह इतनी रौनक लगी हुई है ना, हर कभी इधर आवाज़ आ रही है कीर्तन की, उधर भी एक गुरुद्वारा वहाँ से भी कीर्तन की आवाज़ आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून सा मिल रहा है, कोई किसी टाइप का शोर शराबा नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पाठ हो रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में और इधर से कीर्तन की आवाज़ आ रही है। तो अभी मेरे को चल के नीचे करना है ब्रेकफास्ट रेडी, तो मैंने सोचा, और बच्चे अभी सो रहे हैं, सानवी तो उठ चुकी है और अनवी अभी सो रहा है, जिसको पिछले 3 दिन से एक्साइटेड थी कि होली खेलनी है खेलनी है, बट कल वो माना नहीं, उसने कल भी कलर्स निकाल लिए थे, एक ही कलर दिया मैंने उसको, तो उससे भी पूरी तरह नहा धो के लगा हुआ था करने, और अभी आज तो उसको जो करना है वो करे, उसको मैं नहीं रोकूंगी। तो अभी वो सो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके सबको ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं फ्री होके बच्चों के साथ होली खेलूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी उनकी एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, कितनी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को ना, हम भी ऐसे ही करते होते थे जब हम छोटे थे ना। तो अभी बच्चों होली ऐसा त्यौहार है, बच्चे बूढ़े सब लोग खेलते हैं, कोई भी त्यौहार हो खुशी सबको एक जैसी होती है, टाइम टाइम की बात होती है, कभी वो ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो ऐसे रहते हैं। फेस्टिवल्स का भी लाइफ में अपना रोल है। और अभी अनवित को अपने सामान का पता लग गया, कितना एक्साइटेड हो रहा है। हाँ जी, होली के पटाखे थोड़ा होते हैं बेटा, होली में तो कलर यूज होते हैं ओनली, होली के कलर सब कुछ है हमारे पास। दीदी को लगा दू? हाँ बन देते हैं दीदी को भी, दीदी अभी कॉम करवाने गई है, फिर नहीं तो कॉम नहीं करवाएगी वो। भी कल आ गई थी, मैंने भैया को बोला था कि उसको ले आना क्योंकि दोनों बच्चे मिलके होली खेलेंगे, क्योंकि ये भी कह रहा था दीदी आएगी क्योंकि पिछले साल भी ये दोनों इकट्ठे खेल रहे थे, तो अभी इसकी दीदी भी कल से आ चुकी है और हम मिलके खेलेंगे होली। सबको हैप्पी होली बोल दो, हैप्पी होली। तो अभी इसको थोड़ा सा रेडी कर देते हैं और होली खेल लेते हैं इनके साथ भी। तो अभी मैंने प्लेट में ऐसे कलर डाल लिए हैं और बच्चों के लिए पंकज जी भी कलर्स ले आए थे। ओ नो, बेड पे गिर गया, ये बेडशीट उठानी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, अरे ऐसे नहीं करना था अनवित। हम दोनों आ चुके हैं पूजा रूम में क्योंकि ठाकुर जी को भी होली खेलनी है, तो मैं उनको होली लगाऊंगी होली के कलर्स, और अनवित बहुत एक्साइटेड है, इसको ये है कि जल्दी से बलून फुला दो मेरे सब। हैप्पी होली ठाकुर जी, हैप्पी होली ठाकुर जी। आप भी खेलो अनवित, लगाओ 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 लगाओ, फिर दादी को हनी पापा को सबको लगाना है गला। हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस जी। बस करो खत्म करो, आप तेजी भी अजीब खेलता है, पैसे भी खेलता है, लगाते हैं सबको। हैप्पी होली, अच्छा चल मिक्स बस तो लिया, मुंह माड़ा जी साफ है कलर, बस बस बच्चे ने इसको नहीं लगाया, इसको लगाओ आप, टिक्का लगा दे, लगा ले टिक्का ला दे, तो लाना कोई गल नहीं। बनाओ पूत, हैप्पी होली।
यहाँ लग रहा है प्यार से कलर। हैप्पी होली। देखो आज हैप्पी होली है। देखो अभी दादू लाके आ गए। मुझे देखो कैसे मेरा है। मैं अच्छा शूट करता है। देखो पापा बोतल में लाल आगे शूट हो गए। हैप्पी होली। देखो एक बंदा अभी ये भैया आए हैं। ये कहते हम अपने गांव में खेलते हैं। हमने कहा नहीं, हम आपको यहीं खिला देंगे होली। बस 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 बहुत ज्यादा हो। सबको अच्छे से प्यार से मनाने चाहिए ये वाले त्योहार, क्योंकि लाइफ है, एक बार ही चलेगी, बार बार तो आने नहीं। तो जितने हो सके उसको एंजॉयफुली जीना चाहिए। हमें हर चीज को मेमोराइज बनाना चाहिए। क्या बना रहे हो आज? मैं माँ की दाल, मैंने बता दी और माँ राजमा बना रही है। ये जब गीले हो गए ना फिर नहीं कलर जाता। मेरे हाथ भी ये देखो अभी तक कलर है इसमें। इंसान जो सोचता है ना वो कभी होता नहीं, कभी हो भी जाता कभी नहीं भी होता। एक्चुअली मैंने बोला था कि मैं जाऊंगी मम्मी के पास, बट हुआ क्या, मम्मी घर पे नहीं थे। अंकुश मम्मी कहीं पे ना हमारे पड़ोस में वो था, कीर्तन चल रहा था, तो मम्मी वहाँ गए हुए थे और अंकुश घर पे नहीं था वो। तो मैंने सोचा मैं जाके क्या करूँगी, तो मैंने सोचा मैं अपना प्लान चेंज कर देती हूँ। मैंने एक्चुअली 1 बजे तक सबको लंच करवा के मैं फ्री हो चुकी थी कि हमें जाना है, बट रीज़न ये रहा घर पे कोई नहीं था। फिर अभी मैंने कॉल करा मम्मी का, तो मैं तो उसी टाइम आ गई। मैंने कहा नहीं, फिर हम रेस्ट कर रहे थे, तो अभी देखते हैं फिर कभी जाएंगे। वैसे तो हम मिलते रहते हैं। उस दिन हम कहाँ गए थे, थिएटर गए थे सिनेमा हॉल, वहाँ पे भी मम्मी मिल ही लिए थे। तो ऐसा छोटा बहुत थोड़ा बहुत मिलना जुलना तो चला ही रहता है। तो मैंने सोचा फिर आएंगे आराम से, नहीं तो क्या होता है, जाओ फिर आओ। तो ऐसा था, तो मैं नहीं जा पाई मम्मी के पास। तो अभी पंकज जी आए हैं, जो मैंने सुबह बोला था कि गुजिया चाहिए, तो ये अभी भी कुछ सामान लेना था मार्केट से। मैंने कहा आते टाइम ये भी लें, और मम्मी की डिमांड थी जलेबी खाने की, तो ये जलेबी भी ले आए हैं। हम पहले देखते हैं ठाकुर जी को मत्था, उसके बाद हम सब लोग खाएंगे, और शाम की इनको पीनी होती है चाय मम्मियों को, तो वो बनाएंगे। तो अभी मैं आपको गुजिया दिखाती हूँ, आपके मुंह में भी पानी लाती हूँ। कुछ लोग तो घर पर ही बनाते हैं, बट हमने कभी ट्राई नहीं करी। वैसे देखा है कैसे बनती है, बट कभी बनाई नहीं, वही रेडीमेड ही ले आते हैं। तो ये है गुजिया हमारी, और ये है जलेबी। तो सबसे पहले लगाते हैं ठाकुर जी को वो, देन उसके बाद हम लोग खाएंगे। मैं तो सुबह से बोल रही थी कि ये ले आओ, बट टाइम ही नहीं लगा। ये देखो ये भी होली खेल के बैठे हुए हैं, गुजिया जलेबी खा के हैप्पी होली मनाइए। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट नए व्लॉग में। और इधर मेरी चाय जो है वो उबल रही है, तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय।